वेलकम गाइस, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले उत्तराखंड बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर हमको उत्तराखंड के बारे में बताइए। सो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो जान लेते हैं कि उत्तराखंड में जो बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है 2020 में कब होने जा रहा है, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, इनका एग्जाम कब होगा और इसका रिजल्ट कब आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन हम गेन कर लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस हम कर लेते हैं। देखिए, आपका जो उत्तराखंड वालों के लिए है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है अभी लास्ट जून बता रखी है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये शो हो रही है। सो गाइज, उत्तराखंड वाले से मैं यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी आप टेंशन ना ले, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले। यहाँ पर जो फॉर्म की डेट है वो लास्ट जून है और आपको पता ही कि COVID-19 के कारण डिले हो सकती है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट जून दे रखा है, बट इसका जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक भी जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक भी इसका एग्ज़ाम यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जून दिखा रखा है, बट आप मान सकते हो कि COVID-19 के कारण हमारे नीट, GMN, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम ही बहुत पोस्टपोन हो चुके हैं, गवर्नमेंट उनको भी नहीं करवा पा रही है, तो हमारे जो एग्ज़ाम है उनसे छोटे हैं। ठीक है, तो इनका तो होगा बट डिले होगा। ठीक है, तो नो टेंशन। तो इसकी लास्ट डेट जो रहती है ना, वो 15 दिन का मौका दिया जाता है आपको फॉर्म भरने का। ठीक है, सो गाइज, आपकी जो पहली समस्या थी वो सॉल्व हो गई है कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, लास्ट जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, चलते आगे। करेक्शन का टाइम दिया जाता है आपको 2 हफ्ते का। ठीक है, एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका एडमिट कार्ड आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, जो आप फॉर्म भरोगे वहाँ पर नंबर दे के आओगे, उसी पर आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, निकलवा लेना उस नंबरों से। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड में। ठीक है, आंसर के की बात करें तो आपने जो एग्ज़ाम दिया उसका आंसर की आपको मिल जाती है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, रिजल्ट की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है आंसर की के बाद। काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चल जाए आगे। काउंसलिंग का रिजल्ट कब आता है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है इसका पता कब चलेगा आपको, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। आपको 4 साल उसी में बिताना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो होता है काउंसलिंग रिजल्ट, यानी कि कॉलेज का अलॉटमेंट। ठीक है, आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है वो होता है काउंसलिंग का रिजल्ट। ठीक है, एडमिशन स्टार्ट आपको हो जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उनको जो ज्वाइनिंग करनी होती है उसको बोलते हैं एडमिशन स्टार्ट। ठीक है, आपको जो कॉलेज मिला है उसको ज्वाइन करना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी जो मार्कशीट है, TC, वो सब मैं आपको बता दूँगा क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जो कर रखा है। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए, जितने भी साइंस के स्टूडेंट है, अगर वो नर्सिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं। आपको पता है कि पैरामेडिकल से वैकेंसीज निकली है 2000 के आसपास, तो स्कोप तो हर जगह है। ठीक है, तो आप पैरामेडिकल में भी जा सकते हो, नर्सिंग में भी जा सकते हो, फार्मेसी में भी जा सकते हो। मैं तो कहता हूँ आप नर्सिंग के भी फॉर्म भरो, पैरामेडिकल के भरो और फार्मेसी के भरो। ठीक है, किसी न किसी में तो सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो कब भरे वो तो मैं बता रहा हूँ ना साइंस एम के चैनल पर। ठीक है, चलते आगे। देखिए, ये उत्तराखंड वालों के लिए कॉलेज में दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, यहाँ बीएस नर्सिंग, पोस्ट बीएस नर्सिंग, इन सभी के लिए। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर शो हो रही है। सो गाइज, आपने तो जान लिया कि फॉर्म कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, ये तो आपकी समस्या दूर हो गई, तो एक लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, आपकी इतनी समस्या मैंने सॉल्व कर दी। अब चलते आगे, थोड़ा सा कॉलेज भी मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर कितनी सीट है, इससे आपको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी जितने भी उत्तराखंड वाले हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं कि कहाँ पर कितने कॉलेजेस है। पहले तो मैं आपको बता दूँ आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न में होगा, आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा इसको एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर कहाँ से पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपका जो पेपर है वो टोटल कितने नंबरों का होगा, 100 नंबर का। ठीक है, और कितना टाइम आपको दिया जाएगा, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आप पूछेंगे सर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो आपका पेपर जो है ऑफलाइन होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया।
और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, लैंग्वेज दोनों इंक्लूड होगी, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और कुछ जानना है तो आप बता सकते हो कमेंट करके, आपका जो कमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा, चाहे आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो। ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो आप करते रहो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत सारे, पिछले साल का जो पेपर है उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो जहाँ तक आपको मिल सके 2019 से पिछले जहाँ तक भी 2012 तक सबको सोल्व कर डालो, कोई ना कोई 5-10 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे रिपीटेड। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पैटर्न की हमने बात कर ली। ठीक, और चलते आगे, अब कॉलेजेस की बात कर लेते। देखो उत्तराखंड के कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेज का नाम स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। कौन सा कोर्स होता है यहाँ पे बीएस नर्सिंग का, कितनी सीटें राज्य कोटे की, 60 सीट। ठीक है, 60। राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग हल्द्वानी का कोर्स होता है बीएस नर्सिंग, यहाँ कितनी सीटें, 50। ठीक है, बहुत अच्छी सीट है। थर्ड नंबर पर आता है राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग टिहरी, कौन सा कोर्सेज होता है बीएस नर्सिंग का कोर्सेज, कितनी सीटें, 40। ठीक है, आगे चलते राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग चमोली, यहाँ पर बीएस नर्सिंग होती है, सीटें कितनी, 40। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे देहरादून में है, ठीक है, 60। नंबर वन कॉलेज है, ठीक है, जितना हो सके यहीं पर नंबर लाने का प्रयत्न करें, अच्छे नंबर लाने होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, अगला है हमारा फिफ्थ नंबर पर राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिथौरागढ़। ठीक है, बीएस नर्सिंग का एक कोर्स हो जाता है यहाँ पर, और सीटें यहाँ पर थोड़ी कम है कंपेयर टू देहरादून, हाफ है। ठीक है, यानी कि 30 है। राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्मोड़ा, यहाँ पर बीएस नर्सिंग का कोर्स होता है, यहाँ पर 40 सीट से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ओबीसी की कितनी है, एससी एसटी वालों की कितनी है, कैटेगरी वाइज भी बता देते तो बता दूंगा ना, आपने चैनल सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, वीडियो मिलता रहेगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, बहुत सारे क्या होते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस नहीं करते तो उनको वीडियो नहीं मिलता। ठीक है, और ये आपके कैरियर का मामला है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ठीक है, चलते थोड़ा सा आगे, हमारा हो गया था अल्मोड़ा, तो हो गया था देहरादून स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो ये है देहरादून का, यहाँ पर कौन सा कोर्सेज होता है एमएससी नर्सिंग, 18 सीटें। ठीक है, और अल्मोड़ा में 40 हो गई थी हमारी, यहाँ पर एमएससी नर्सिंग होती है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। यहाँ कर हम बात करें तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, 30 सीट यहाँ पर है, डोंट वरी, खूब है। ठीक है, पोस्ट बेसिक क्या होता है, बहुत सारे पूछते हैं कि सर पोस्ट बेसिक क्या होता है, तो ये होता है जेएनएम कोर्स करने के बाद ये कोर्स किया जाता है पोस्ट बेसिक। ठीक है, उनके लिए होता है ये, सीधे ट्वेल्थ के बाद नहीं होता, ये जेएनएम करने के बाद होता है। ठीक है, निजी देखो बीएस नर्सिंग एमएस नर्सिंग एम पोस्ट बीएस नर्सिंग 50% सीट, इसका क्या मतलब है, बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे सर ये क्या है 50%। देखिए, आपके देहरादून में जितने भी कॉलेजेस है, ठीक है, प्राइवेट जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें एडमिशन होता है प्री एग्ज़ाम के थ्रू, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि वहाँ पर 50% सीट है ना, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू फिलअप की जाएगी। ठीक है, और बाकी की 50% में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि हमको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना, हमको ओनली डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में बेशक ले सकते हो। ठीक है, फीस उनके अकॉर्डिंग ही लगे हो, जो भी लग रही होगी उनकी कॉलेजेस की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस ली जाएगी। ठीक है, तो आप चाहे तो प्री एग्ज़ाम के थ्रू भी ले सकते हो, प्री एग्ज़ाम में ये होता है कि अगर आपके अच्छे नंबर आ गए ना तो आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट में होने के चांसेस होते हैं। और फॉर्म के कितने लग रहे हैं, 1500 रुपये तो लग रहे हैं, और SST वाले 2000 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो जितना हो सके इंट्रेंस देने का कोशिश करें, क्या पता आपका अच्छे नंबर आ जाए, टॉप 10 में आ जाओ तो आपको यही कॉलेज मिल जाए देहरादून वाला। ठीक है, तो जितना हो सके आप गवर्नमेंट कॉलेज लाने का प्रयत्न करें। सो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हो और अधिक जानकारी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, ये तो आपको बहुत सारी लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी, और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए बहुत सारी जानकारी आप इस यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइज, अगर और अधिक आप जानकारी चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप और अधिक जानकारी गेन कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है इसका। ठीक है, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अधिक जानकारी गेन कर लीजिए आपके कैरियर का जो मामला है। ठीक है, जितनी नॉलेज लोगे आप उतना बेटर है। ठीक है,
जितनी नॉलेज रहोगे उतने डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है ओल्ड क्वेश्चन पेपर और इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब आपको वीडियो के थ्रू, देखिए बहुत सारे बोलते हैं कि आप कमेंट का जवाब नहीं देते, तो मैं वीडियो के थ्रू देता हूँ 4-5 दिन में एक बार, ठीक है, सारे कमेंटों का जवाब। तो वो कमेंट वाला वीडियो देख लिया करो, उसमें आपका भी जवाब ज़रूर होगा, ठीक है, सबके जवाब देता निकलता हूँ मैं, ठीक है। तो कमेंट की टेंशन ना करें, वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाइए और इस साइट पर विजिट करके अधिक जानकारी गेन कर लीजिए, PDF का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का,